के आयोजित किया है, ये निश्चित तौर पे एप्रिसिएटिव है और इस प्रकार के मेडिकल कैंप्स हमेशा आयोजित होने चाहिए। जो ये मेडिकल की टीम आई है बहुत ही एक्सपर्ट टीम है, साथ ही साथ जो है मेडिकल कैंप्स के बारे में अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है कि हम लोग जो है अपने हेल्थ के प्रति अवेयर रहें। इस प्रकार के कार्यक्रम की हमेशा हर प्लेटफॉर्म से मैं सराहना करता हूँ। सर, आज आपने यहाँ पे कोई टेस्ट किया करवाया होगा, आपने कुछ चेक कराया, ब्लड क्या चीज़ आपने यहाँ पे स्वास्थ्य में हिस्सा जो लिया आपने? यहाँ जो टीम आई है वो बीपी की चेक कर रही है, डायबिटीज़ के बारे में बताया गया है, ईसीजी के बारे में बताया गया है, इन्होंने हमारा भी बीपी चेक किया है। आप पुलिस वालों का बीपी जो है घटता बढ़ता रहता है, लेकिन सौभाग्य से डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि हमारा जो बीपी है वो नॉर्मल है। ठीक है, रोल है, रोल है। तो सर, आज स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, क्या सा उद्देश्य पीछे क्या था इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य ये है कि हम समाज से जिन हार्ट के पेशेंट जो डेवलप हो रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग कर सकें। पहली स्क्रीनिंग ये बीपी, शुगर और बीपी शुगर और ईसीजी ये बेसिक टेस्ट होते हैं। इसमें से अगर कोई पेशेंट अबनॉर्मल निकलता है तो फिर आगे के लिए जैसे TMT, ECO, एंजियोग्राफी के लिए, और जिसकी सारी सुविधा हमारे सेंटर में, एक्सेस हार्ट सेंटर। आज जो स्वास्थ्य शिविर लगाया है यहाँ पर, किस तरह के लोग आ रहे हैं? पत्रकारों के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है, जिनके परिजन है, पत्रकार की एक ऐसी लाइफ है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, उस पर आप क्या कुछ प्रतिक्रिया कहना चाहें? देखिए, सबसे बड़ा जो हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ और बीपी का लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, और सबसे बड़ा कारण है टेंशन, जैसा बताने सर बता रहे हैं, जितना ज़्यादा तनाव रहता है ये तीनों बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए प्रेस वालों को भी और काफ़ी स्ट्रेस रहता है, तो इसलिए इस कैंप का आयोजन हो रहा है। आज क्या क्या शिविर में क्या किस चीज़ का लगा, टेस्ट क्या क्या लगाए गए हैं? टेस्ट लगाया गया बेसिक, तो क्लिनिकल फीचर, क्या पेशेंट को कंप्लेन है उसका इवेल्यूएशन, बीपी, शुगर, ईसीजी। जी, बीपी, शुगर, ईसीजी स्क्रीन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।